विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफाई का एग्जांपल है, 2x प्लस 3y होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y होल क्यूब, ये इसे हमें सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। सॉल्यूशन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब दोनों चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, और एक क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इक्वल्स ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, मतलब ये 2x प्लस 3y जो भी है उसे हम ये समझ लेंगे, ये इक्वल्स, लेट कर दो, समझ लो ये इक्वल्स 2x प्लस 3y, और नेक्स्ट b इक्वल्स 2x माइनस 3y। ये अगर आप समझ लिया तो ये यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा। हमें ये इक्वेशन, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा इधर, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। अभी हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है, तो ए क्यूब मीन्स ए मीन्स 2x प्लस 3y हमने लेट किया है, बी मीन्स 2x माइनस 3y लेट किया है, तो ए माइनस बी इसमें क्या आ जाता है, एक पूरा लिख लेंगे सर, 2x प्लस 3y होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y होल क्यूब। तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब के जैसा है, दिस इक्वल्स a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a मीन्स 2x प्लस 3y माइनस माइनस इसका 2x माइनस 3y। ओके, ये दोनों हो गया, तो इनटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ये मीन्स 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ओके, ए प्लस बी हो गया, प्लस ऑफ बी स्क्वायर मीन्स बी क्या है, 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। सब आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अभी दिस इक्वल्स यहां पर ले देखिए, 2x प्लस 3y, ये माइनस के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3y। ओके, यहाँ पर ये क्लोज कर दो, और यहाँ पर ब्रैकेट में इधर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके एक्सपांड किया तो 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 3xy, 2 टाइम्स 2 इंटू 3xy मीन्स 2 2 4 4 3 12 x इंटू y। ओके, प्लस ऑफ इन दोनों में अगर 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया हमें, ए स्क्वायर मीन्स 2x होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 3y होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये एक्सपांड कर दो, 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x इंटू 3y, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 x इंटू y, सब आ गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभी ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये दोनों कट कर दो, तो दिस इक्वल्स यहाँ पर 3y प्लस 3y मीन्स 6y रहेगा रिमेनिंग, और यहाँ पर अंदर क्या रहेगा देखो, ओपन कर दो पूरा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स वाई प्लस यहाँ पर 2x होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 9y² माइनस 12xy एज इज इट इज। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो प्लस 3y² है, यहाँ पर नेगेटिव 3y² है, इन दोनों यहाँ पर दोनों कट कर दो। ठीक है, अभी और क्या जाएगा, पॉजिटिव 12xy है यहाँ पर और नेगेटिव 2xy, ये दोनों कट कर दो। अभी रिमेनिंग क्या गया, 4x² यहाँ पर रहा, यहाँ पर एक रहा, तो यहाँ पर एक रहा, यानी 4x² 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 3 times 4x² मीन्स 12x² रिमेनिंग रहा। तो दिस इक्वल 6 times 6 into y into 12x² और क्या रिमेनिंग रहा, ये गया प्लस 9y². ओके, इतना रिमेनिंग रहा। अब ये 6y से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 6 12 6 72 x² into y, ओके, प्लस ऑफ 6 into 9 54 y into y² मीन्स y³। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो क्या है इसका आंसर, 72 x² y प्लस 54 y³। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।